यदि मन में इच्छा हो, तीव्र लालसा हो कि हमें बहुत जल्द श्रवण में सिद्ध होना है, कीर्तन में सिद्ध होना है, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप करने के लिए 22 घंटा लगता है। परीक्षित की तरह श्रवण में सिद्ध होना चाहते हैं, हरिदास ठाकुर की तरह हरिनाम जप में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं बहुत जल्द। देखिए, दो रास्ते हैं। एक रास्ता कि भाई नाम जपते 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 आज नहीं तो कल हम सिद्ध हो जाएंगे, कथा सुनते 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 आज नहीं तो कल हम सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन इसमें समय लग जाएगा। यदि मन में इच्छा हो कि हम तुरंत सिद्ध हो जाए, श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, अर्चन में, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति में हम कर तो रहे हैं लेकिन परिपूर्ण नहीं है, और बहुत जल्द और तुरंत इन भक्तियों में परिपूर्ण होना है, तो शास्त्र कहते हैं गाय की सेवा कीजिए, आप तुरंत परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु कहे गो दूध, तुम गाय का दूध पीते हो? तुम यदि गाय का दूध पीते हो तो गाय तुम्हारी माता हुई कि नहीं? गाभी तुम्हार माता। खाते क्या हो? बोले रोटी खाता हूं, सब्जी खाता हूं। रोटी किससे बनती है? बोले गेहूं से। गेहूं कहां से प्रकट होता है? बोले खेती से। खेती कैसे होती है? बोले बैल को हल के साथ जोतते हैं और बैल के द्वारा खेती करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गाय तुम्हें दूध देती है, तुम गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय तुम्हारी माँ हुई, और बैल मेहनत करता है और मेहनत करके अन्न उत्पन्न करता है, तो बैल तुम्हारा पिता हुआ कि नहीं? पिता माता मारी खावो ये बेकौन धर्म, कौन बल कर तुम्हें मत काजी। गाय हमारी मां है। हमारे वेदों में हमारी 6 माताओं का वर्णन किया गया है। एक जन्म देने वाली मां, एक पालने वाली मां, एक दूध पिलाने वाली मां। जन्म देने वाली मां 2, 3 या 4 साल तक दूध पिलाती हैं, अन्यथा हम गाय का दूध पीकर ही तो बड़े होते हैं। गाय का दूध पीते हैं तो गाय हमारी मां है, और बैल से खेती कराते हैं अतः बैल हमारे पिता है, तो माता पिता मारी खाबो ये बे कौन धर्म। मां और बाप को मारकर काटकर खा जाना ये कौन सा बड़ा धर्म है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने काजी को बहुत सुंदर शिक्षा दी, और उस दिन वो मुस्लिम था, लेकिन उस काजी ने ऐलान किया कि आज के बाद मेरे राज्य में हरिनाम संकीर्तन को कोई नहीं रोकेगा। मुस्लिम होकर उसने एक रिजोल्यूशन पास किया कि आज के बाद मेरे राज्य में गाय का वध कोई नहीं करेगा, यहां गाय की सेवा होगी, गाय की रक्षा होगी। लेकिन कृष्ण गोवर्धन की पूजा कैसे की जाए? हम तो कभी किए नहीं, हम तो कभी जानते नहीं। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, अब तक आप जैसे इंद्र की पूजा कर रहे थे वैसे गोवर्धन की करो। ये जितने भी पूड़ी पकवान, ये जो भी व्यंजन बने हैं, ये सारे व्यंजन गिरिराज जी को भोग चढ़ा दो। कृष्ण कहते हैं कि बाबा आज तक इतने सालों से आपने
देवराज इंद्र को भोग चढ़ाया। देवराज इंद्र कभी आपके सामने आया? बोले नहीं। आपके भोगों को आपके देखते देखते खाया कि? बोले नहीं। आपको कभी आशीर्वाद आशीर्वाद वरदान दिया? बोले नहीं। बाबा एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, गोवर्धन को भोग चढ़ाकर देखो, गोवर्धन प्रकट होंगे, भोग खाएंगे और खाएंगे ही नहीं, सारे भोग खा जाएंगे और अधिक मांगेंगे, और लाओ अन्न और मधुमंगल आदि जो सकाते कहते बाबा इसकी बात में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा। नहीं नहीं बाबा मैं सत्य कह रहा हूं। गोवर्धन की पूजा, कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासी अपने अपने छकड़े पर, अपने अपनी बैलगाड़ी पर बहुत बहुत माल सामान भोग व्यंजन सामग्री को भरकर गिरिराज की तलेटी में पहुंच गए। और जो जो ब्रजवासी अपने घर से भोग लाए थे गिरिराज जी के सामने रखा गया, तो गोवर्धन जितना बड़ा है वैसा ही भोग का, अन्न का एक पर्वत बन गया, जिसे आज भी अन्नकूट कहते हैं। बहुत बड़ा अन्नकूट बन गया, अन्न का पर्वत बन गया। लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ कि अब गिरिराज जी को भोग कौन चढ़ाए? तो किसी ने कहा जिसने हमको ये पाठ पढ़ाया है उसी को बोलो। कृष्ण को आगे किया, भाई कृष्ण तू ही भोग चढ़ा दे। एक और गिरिराज जी बैठे हैं सामने, कृष्ण बैठे हैं, दोनों भगवान आमने सामने बैठे हैं और भगवान ही भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण गिरिराज जी को भोग चढ़ा रहे हैं और भक्त चमत्कार तो ये हुआ कि जैसे ही कृष्ण ने प्रार्थना की तो गिरिराज जी पत्थर के रूप से कन्वर्ट होकर एक मनुष्य के रूप में एक मूर्तिमान स्वरूप प्रकट हो गए। भक्तों 15 साल से कथा गा रहा हूं और ये सब कथाएं बोल रहा हूं कि गिरिराज जी पत्थर से मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए, लेकिन आज तक सोच नहीं पा रहा था कि वो कैसा रूप होगा। ये तो जब कृष्ण गौशाला में आया और यहां पर दर्शन किया तब पता चला कि ऐसा रूप होगा है? लंबी लंबी मूछे और क्या रूप है गिरिराज जी का है? तो जो यहां पर गिरिराज जी का स्वरूप है ठीक इसी स्वरूप में मूर्तिमान रूप में गिरिराज जी प्रकट हुए और जो भोग लगाया गया था गिरिराज जी खाने लगे। खाते खाते कहने लगे अन्न और ज्यादा लाओ, इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही हो गया अन्योर। आज भी आप ब्रज में जाओ ना, गिरिराज जी ने कहा अन्न और, इसलिए नाम बना अन्योर। तो गिरिराज जी कह रहे थे कि ये खीर बहुत अच्छी है, ये खीर किसके घर से आई है? तो कोई ब्रजवासी कहता महाराज मेरे घर से। बोले आज मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए आपको? बोले महाराज शादी हुई, बहुत समय हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है, तथास्तु में बच्चा पक्का। तो ये पूरी बहुत अच्छी है, ये किसके घर से है? बोले महाराज मेरे घर से, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत सुंदर पूरी है, क्या चाहिए महाराज? मंदी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। बोले नौकरी पक्की। जो जो लोग जो जो मांग रहे थे गिरिराज जी सबकी मन्नत पूरी कर रहे थे। भक्त आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस संसार में देखिए हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, आप लोग हो सकते हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत बहुत इच्छा है। मेरी सबसे बड़ी कामना है कि 1000 कथा समाप्त करके ही शरीर छोड़ना है। इतनी इतनी इच्छाएं लेकर हम घूमते हैं, तो इस इच्छा के लिए हम किसके सामने हाथ पसारे? दुनिया के लोग देवी माता के वहां मन्नत रखते हैं, फलाने के वहां मन्नत रखते हैं, मानते हैं, लेकिन हम वैष्णव कहां जाए? हम वैष्णव के लिए एक ही स्थान है और वो है गिरिराज गोवर्धन। और मेरा अनुभव है भक्तों जीवन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो
गिरिराज जी की आप मन्नत रखोगे, परिक्रमा लगाओगे, गिरिराज जी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, समस्त मनोकामना। और भक्तों को तो सबसे बड़ी मनोकामना शुद्ध भक्ति की होती है, गिरिराज जी शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस गोपाष्टमी के अवसर में भगवान कृष्ण को गाय चराने की अनुमति मिली थी। जो भगवान, आप विचार कीजिए, जो भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को चलाते हैं, शिव सागर में शयन करते हैं और सोते सोते जो भगवान करोड़ों ब्रह्मांड को चलाते हैं, उस भगवान को ब्रज में गाय चराने की अनुमति लेनी पड़ती है। जिस दिन कृष्ण को इस ब्रज में गाय चराने की अनुमति मिली, कृष्ण प्रथम बार गाय चराने जा रहे थे, घर से निकल ही रहे थे तो नंद बाबा और मां यशोदा ने कहा कि बेटा, बेटा कृष्ण एक काम करो, तुम चप्पल पहन लो, कृष्ण तुम जूते पहन लो। कृष्ण ने कहा, नहीं मैया, मैं जूते नहीं पहनूंगा बाबा, मैं जूते नहीं पहनूंगा। क्यों? कृष्ण कहते हैं कि मैं गोपाल हूं, मैं गायों का सेवक हूं, जब तक मेरी गाय माता जूते न पहने मैं जूते कैसे पहन सकता हूं। यदि मुझे जूते पहनाने हैं तो पहले 36 लाख जूते बनाओ, ये सभी गायों को पहनाओ, तब जाकर मैं जूते पहनूंगा। आप विचार कीजिए, जो भगवान नंगे पांव गायों के पीछे दौड़ते हैं, इतना गाय माता से प्रेम करते हैं, उन गाय से, उन गाय की सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, यदि ये भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। अब विचार कीजिए, चराचर जगत की परीक्षा करने वाले भगवान की परीक्षा लेने चले हैं आज ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो जो गाय और बछड़े घास चर रहे थे उनको चुरा लिया। ब्रह्मा का एक नाम है विधाता। ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, जितने भी नीति नियम है, ये सब ब्रह्मा ने बनाए हैं। समझ रहे मेरी बातों को, कि आप ये गलत करोगे तो इस नरक में जाओगे, ये करोगे तो यहां जाओगे, ये सारे रूल्स रेगुलेशन डिजाइन करने वाले ब्रह्मा है। लेकिन आज ब्रह्मा भगवान को नहीं पहचान पाए तो खुद अपना ही नियम तोड़ने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। ब्रह्मा गाय और बछड़ों को चुरा कर ब्रह्म लोक में लेकर गए, वापस आए, तब तक कृष्ण सखा आदि भोजन कर रहे थे, ऐसे दूर देखा तो गाय बछड़े दिखाई नहीं दिए। कृष्ण ने कहा अपने सखाओं का, आप लोग भोजन करो, मैं जरा देख कर आता हूं कहीं दूर तो नहीं चले गए गाय बछड़े। कृष्ण जब ढूंढने गए, कृष्ण जब गाय और बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा फिर से आए और सभी गोप सखाओं को चुरा कर चले गए। कृष्ण वापस आकर देखे, वहां गाय बछड़े नहीं, यहां सखा भी नहीं। कृष्ण समझ गए कि ये मेरे बेटे का काम है। ब्रह्मा आखिर तो भगवान का बेटा है, नाभि से प्रकट हुआ है। लेकिन भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं था, भगवान ने अपने शरीर से ही ऐसे असंख्य हूबहू गाय और बछड़े प्रकट किए और वैसे ही
हैं गोप सखाओं को प्रकट किया। अब पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक दो बार जाना और आना, इसमें एक साल बीत गया। और यहां तो एक साल तक लगातार एज इट इज लीला होती रही। एक साल के बाद ब्रह्मा जी आए तो देखे कि वही बछड़े, वही गाय, वही गोप सखा, बोले जिसे मैं ब्रह्म लोक में छोड़कर आया वैसे यहां पर भी है। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे से गलती हो गई है। ब्रह्मा समझ गए कि निश्चित ये भगवान है। पहाड़ जैसे बड़े ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी रोने लगे, नौमी यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावसन परिपे छलसन्मुखा वन्यास्त्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपंगजा। ब्रह्मा जी रोने लगे। ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण को स्तुति करते हैं कि हे कृष्ण। कृष्ण कभी कभी छोटे छोटे बच्चे माता के गोद में होते हैं और कभी कभी माँ के गोद में सोने वाला, माँ का दूध पीने वाला वो बालक माँ को लात से मार देता है। तो जब वो छोटा सा बालक माँ को लात से मार देता है तो क्या माँ उस बालक को छोड़ देती है, पटक देती है? नहीं। कृष्ण ठीक उसी प्रकार हम आपके बच्चे हैं और हमसे कोई गलती हो जाए, हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, आप हमें छोड़िएगा मत। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं 20 श्लोक में ब्रह्मा ने स्तुति की, भगवान कृष्ण के चरणों में नाक रगड़ा। छोटे से 5 साल के कृष्ण और पहाड़ जैसे ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्तुति किए, कृष्ण को रिझाए, मनाए, लेकिन कृष्ण नहीं माने। थोड़ी सी अपनी बुद्धि चलाइए कि कल इंद्र ने भी अपराध किया था और आज ब्रह्मा ने अपराध किया। यदि मैं आपसे पूछूं कि दोनों में बड़ा अपराध किसका था, वैसे देखा जाए तो इंद्र का बड़ा अपराध था ना, क्योंकि इंद्र ने मारने का प्रयास किया था, पूरे ब्रजवासियों को मार दो, इंद्र ने मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा ने किसी को मारा तो नहीं, लेकिन फिर भी भागवत में देखा गया है कि इंद्र ने स्तुति की तो भगवान ने क्षमा कर दिया और ब्रह्मा ने बहुत बहुत स्तुति की फिर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा करने के दो कारण, एक भगवान ने देखा कि जो भी है, इंद्र ने पूरे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया लेकिन इंद्र की इस करतूत से मुझे गोवर्धन उठाना पड़ा और सारे ब्रजवासी गोप गाय बछड़े सब मेरे निकट आ गए। इंद्र के अपराध से ये गोप गाय ब्रजवासी आदि मेरे निकट आए और ब्रह्मा के अपराध से ये गाय बछड़े और गोप मेरे से दूर चले गए। जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है, जो मेरे भक्त का विरह कराता है, भक्त और भगवान को जो दूर करता है, भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। और दूसरी बात, इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया परंतु कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र गाय माता को साथ में लेकर आया था, सुरभि मैया को, गो मैया को साथ में लेकर आए और
कृष्ण को स्तुति की है। शायद ब्रह्मा जी गाय को साथ में लेकर आते, स्तुति करते तो भगवान क्षमा कर देते, लेकिन ब्रह्मा ने नहीं किया ऐसा। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, सदन तुम पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण थे और एक वृक्ष के नीचे बैठकर सदन आप वेदों के मंत्रों का पाठ कर रहे थे और उस समय कसाई खाने से एक गाय भागकर छूटकर दौड़कर वहां से निकल गई थी और वह गाय तुम्हारे सामने से गई, तुम वेद पाठ कर रहे थे, वह कसाई आया और कसाई ने तुम्हें पूछा कि तुमने गाय को देखा है। अब तुम तो वेदों के मंत्रों को पढ़ रहे थे, बोलने का तो कोई सामर्थ्य नहीं था, लेकिन सदन तुमने हाथ दिखाया था, हां उस गली में गाय गई है। बस सदन गाय को काटने के लिए एक उंगली दिखाई, तुम्हारे दोनों हाथ कट गए, तुम्हारे दोनों हाथ काटने पड़े। प्रकृति का यह नियम है भक्तों, चाहे हम माने या ना माने, कि एक इशारा गाय तो आज तुम्हारे दोनों हाथ काटने पड़े, कट गए। बोले चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि वो पत्नी ने अपने पति को ही मार डाला। सुनो सदन, वो कसाई गया उस गली में, उस गाय को पकड़ कर लाया और गाय का मस्तक काट दिया। वो गाय दूसरे जन्म में वो कसाई की पत्नी बनी, वह कसाई दूसरे जन्म में पुरुष बना और वह गाय उसी की पत्नी बनी। जैसे कसाई ने उस गाय का मस्तक काटा था, वैसे ही उस स्त्री ने उस पति का मस्तक काट दिया। प्रकृति का नियम कुल मिलाकर। सब लोग सुखदेव जी के शरणों में बैठे और महाराज परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे सुखदेव जी, सुखदेव जी, मैं तो गृहस्थ आदमी और मुझे ऊपर से श्राप लगा है कि 7 दिन में मरना है। बस इतना बता दीजिए कि मेरे जैसे आदमी को ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी, मैं यह भी जानता हूं कि आप गोदोहन मात्र कालेन गृहेशु गृह मेधी नाम। देखिए यहां पर भी गाय की महिमा है। परम विरक्त चुचुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी व्यास नंदन जन्म लेते ही अपना घर छोड़कर चले गए, न बाप न मां, घर संसार कुछ नहीं, पूर्ण विरक्त और घर छोड़कर चले गए और कहीं पर ठहरते नहीं थे। पानी बहता भला, संत चलता भला, बस चलते रहते थे, चरे वेती। लेकिन सुखदेव जी एक स्थान पर खड़े रह जाते थे, कहां, गोदोहन काल मात्रेण गृहेशु गृह मेधिना, जहां पर गाय को दोहा जाता था। सुखदेव जी जहां गाय और बछड़े को देखते थे वहां रुक जाते थे। आदमी कहीं नहीं ठहरता था, गाय को देखकर रुक जाता था, क्योंकि गाय को देखकर कृष्ण लीला का स्मरण हो आता था। तो हे सुखदेव जी, आप एक स्थान पर ज्यादा देर तक ठहरते नहीं हो, लेकिन आप मुझ पर कृपा करो।